हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब आज तक। आज की वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन कैंडिडेट के लिए जो लोग एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एशियन पेंट इज हायरिंग मल्टीपल ओपनिंग। जी हाँ दोस्तों, एशियन पेंट में हायरिंग चल रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी में हायरिंग चल रही है, क्या जॉब लोकेशन होगा, क्या जॉब आवर होगा, क्या जॉब सैलरी होगी और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि उनसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जॉब रिलेटेड मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एशियन पेंट इज हायरिंग मल्टीपल पोजिशन के लिए, ठीक है। तो इसमें जॉब पोजिशन क्या होगा, QA ऑफिसर जो है, QA क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। कंपनी का नाम है एशियन पेंट। लोकेशन जो होगा, जॉब लोकेशन, वो इंडिया में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, जैसे आपको क्वालिटी कंप्लेंट्स में दे दिया जाएगा, पीपुल डेवलपमेंट में दे दिया जाएगा, आपको कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग में दे दिया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दे दिया जाएगा, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग में दे दिया जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी में दे दिया जाएगा। ये सारे पोजीशंस हैं, मल्टीपल जो वेरियस पोजीशन का नाम है, ये सारे पोजीशंस हैं, इसमें आपको जॉब करने दे दिया जा सकता है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग से और मैकेनिकल आपका ब्रांच है तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल है। वहाँ एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस में आपका वन ईयर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर कहीं से आप सर्टिफिकेट बनवा के, ठीक है। तो इसका जो एक्सपीरियंस आप देख लिए, आप और जो वेरियस पोस्ट के लिए है, सपोज मैंने आपको बताया जैसे क्वालिटी कंप्लेंट्स के लिए, पीपल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बीटेक मैकेनिकल के लिए भी है, मिनिमम एजुकेशन जो है बीटेक होना चाहिए और एक्सपीरियंस बीटेक वालों के लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर का है, ठीक है। मैक्सिमम जो है 4 ईयर का है, ठीक है। अभी जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ अप्लाई ऑन कंपनी साइट पे 2 बार क्लिक करना है। जैसे ही आप 2 बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, सपोज शुरू से ये पेज खुल गया, प्रोग्रामर एनालिसिस आप करना चाहते हैं, प्रोग्रामर एनालिसिस है, ठीक है। प्रोग्रामर एनालिसिस का बहुत सारा है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, ऑफिसर क्वालिटी के लिए, जो हम अपना नोटिफिकेशन देख रहे थे वो ये वाला है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले इस पेज को खुलने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन और साइन इन का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे साइन अप कर लेना जिन लोगों का अकाउंट नहीं है एशियन पेंट में, क्योंकि ये जो पेज है ये एशियन पेंट का ऑफिशियल पेज है, ठीक है। आपको अपना यहाँ पे साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको जो भी आप जिस जॉब के लिए एलिजिबल है आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर लेंगे। सपोज आपको क्वालिटी में आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, क्वालिटी है, ऑफिसर क्वालिटी, यहाँ पे आप अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे रिज्यूम मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे अपना रिज्यूम डाल लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ अपना रिज्यूम डाल लिया है, ठीक है। यहाँ रिज्यूम अपलोड हो चुका है, प्लीज वेट और अनलोडिंग रिज्यूम बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही रिज्यूम अपलोड हो जाता है आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट पे क्लिक हो गया है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फिलअप कर लेना है, जहाँ पे आपका वहाँ जहाँ जहाँ पे आपका स्टार मार्क है वो आपको कंपलसरी भरना ही है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे भर लेता हूँ, ठीक है। जब पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपके सामने फॉर्म दिखेगा, ठीक है। सारा कुछ फिलअप किया हुआ है तो आप अपना सब कुछ जो भी है कॉलेज का, 2A 10th 12th और ग्रेजुएशन का सब कुछ अपना फिलअप कर लेंगे। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो बीटेक, अगर डिप्लोमा कैंडिडेट है तो आप डिप्लोमा का सारा डिग्री वगैरह डाल लेंगे, परसेंटेज वगैरह डाल लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल रखा है, सपोज आप बीटेक कैंडिडेट है तो बीटेक मैकेनिकल से आपका कौन सा कॉलेज है, फुल टाइम कोर्स है आपका, वीवी यूनिवर्सिटी डाल लेंगे। यहाँ पर परसेंटेज डालने के बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे कुछ लोडिंग का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो अब मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है दोस्तों, ठीक है।
अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ सीनियर ऑफिसर प्लांट इंजीनियरिंग के लिए का भी ऑप्शन है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। एक वेलोर ऑफिसर सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है, आप उसमें भी जा सकते हैं। ये सारा लेटेस्ट वैकेंसी है, ठीक है, आप किसी में भी क्लिक करके एप्लीकेशन सबमिट करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नीचे बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।